क्या आप अपने पैन से जला चिपका खाना रगड़ से रगड़ते तंग आ गए हैं? नकली नॉनस्टिक पैन जो चिपकते हैं, टूटते हैं, क्या आप उनसे उकता गए हैं? क्या आपको पता था कि कई नॉनस्टिक पैन खतरनाक फ्यूम्स को जलाकर आपके खाने में खतरनाक केमिकल्स उत्पन्न करते हैं? तो बहुत हो गया नॉनस्टिक नॉनसेंस। 50 सालों में पहली बार आपके रसोई के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट सिरेमिक कोर। इस क्रांतिकारी ठोस सिरेमिक सतह वाले नॉनस्टिक पैन में पुराने और नए दोनों तकनीकों का समावेश है। एल्युमिनियम के कारण समानता से ताप का फैलना और साथ में सिरेमिक जिसमें ताप कायम रहता है, सिरेमिक कोर में बॉन्डेड सॉलिड सिरेमिक सतह है। क्योंकि ये हीरे के बाद सबसे अधिक कठोर धातु है, इसमें 400 डिग्री सेल्सियस या 750 डिग्री फारेनहाइट पर जल्दी खाना पकाया जा सकता है। साथ ही क्योंकि सिरेमिक कोर में ताप बना रहता है, चूल्हा बुझने के बाद भी आप पकाना जारी रख सकते हैं। सिरेमिक कोर का हनीकॉम्ब बेस ऊष्मा को बढ़ाता है और समानता से एल्युमिनियम की सतह पर फैलता है ताकि शीघ्रता से पैन पर ताप फैल सके। इससे ऊर्जा की बचत होती है और क्योंकि सिरेमिक कोर समानता से ताप फैलाता है, समानता से खाना पकता है। और वाटर लिली सतह के तरह होने के कारण यह अभेद नहीं है, कुछ अंदर नहीं रिसता, कुछ नहीं चिपकता, सब सही तरह खिसकता है। अब आप स्वस्थ और जल्दी से खाना बना सकती हैं। ऊर्जा की बचत होती है, साफ करना आसान है। और अब इस ठोस सिरेमिक रहस्य वाले नॉनस्टिक पैन का परिचय कराएंगे हमारी होस्ट लॉरा बेकर और प्रसिद्ध शेफ मार्क गिल। हाय लॉरा। हाय मार्क। वाओ, इतना बढ़िया और लाजवाब खाना। और ये सब मुमकिन हुआ इस सिरेमिक कोर के कारण। एक क्रांतिकारी नया ठोस सिरेमिक सतह का कुकवेयर जो ताप बनाए रखता है और जिसका एल्युमिनियम बेस ताप को समानता से फैलाता है। ये न तो खुरदरा है, न चिपकता है, न इसमें जलता है, साथ ही बढ़िया खाना बनाने में मददगार है। वाओ। अब देखो हम क्या करने वाले हैं। मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ स्क्रैम्बल एग से। लॉरा, तुम उस काले साधारण दिखने वाले नॉनस्टिक पैन का इस्तेमाल करो और मेरे साथ उस सफेद सिरेमिक कोर पैन में खाना पकाऊंगा। अब थोड़े अंडे डालें, ये हो गया। ठीक है। अब मैं एक मेटल फोक लूंगा इसे बनाने के लिए। और जानती हैं, मैं तेल, घी, मक्खन, ग्रीस किसी का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। ये लाजवाब है, मेरे में तो चिपकना शुरू हो गया। लॉरा, साधारण नॉनस्टिक पैन में यही होता है और चिपके नहीं, इसलिए तेल, घी या मक्खन का इस्तेमाल करना पड़ता है। और देखो, मैंने मेटल फोक का इस्तेमाल किया, फिर भी कोई खरोंच नहीं पड़ी। लॉरा, देखो तो ये काली सी चीज क्या है? ये काली मिर्च नहीं है, ये तुम्हारे पैन का नॉनस्टिक बाहर आ रहा है। तुम वास्तव में इन काली पपड़ी केमिकल से अपना खाना बना रही हो जो हानिकारक है। लॉरा, हाँ जानती हूँ कि यह हानिकारक है, मगर देखो तुम्हारे सिरेमिक और पैन में सब अच्छा है। क्योंकि ये ठोस सिरेमिक की सतह है और इसमें खाना 100% साफ बनता है, कोई खरोंच नहीं। और वास्तव में देखो अंडे कितने अच्छे से स्लाइड हो रहे हैं। अब मैं एक प्लेट लूंगा और मेरे पास थोड़ा सा टोस्ट है और थोड़े से फल है और तुम्हारे लिए स्वादिष्ट नाश्ता में लगा जा रहा हूं। जानते हो लॉरा, बस एक बार पहुंचने से ये पैन साफ और दोबारा इस्तेमाल के लिए तैयार है। और इधर देखो तुम्हारा पैन कितना काला हो गया है, सारा खाना तो इसमें चिपक गया है। आपका सिरेमिक कोर लाजवाब है। हाँ, क्योंकि सिरेमिक कोर बेस बहुत अलग है, इसमें बहुत सारे हनीकॉम्ब पॉकेट्स हैं, जो चाहे जैसे भी स्टोव हो, गैस, इलेक्ट्रिक, ग्लास या इंडक्शन, सही ऊष्मा ग्रहण करते हैं। अब मैं एक ऐसी चीज बनाकर दिखाऊंगा जो बहुत ही मुश्किल है, बढ़िया पतला लाजवाब। और देखो मैं इसे कैसे घुमा रहा हूँ। मुझे लगता है ये चिपकने वाला है। एक बार जान लो ये नहीं चिपकेगा। और न चिपकने के लिए घी, तेल के इस्तेमाल की भी जरूरत है, क्योंकि ठोस सिरेमिक सतह मेरे लिए ये काम करता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिना घी या तेल का खाना अपने आप पौष्टिक खाना होता है। सिरेमिक कोर स्वस्थ पौष्टिक खाने के लिए कम कैलोरीज और ये आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए बढ़िया है। और याद रखना, मैंने फोक का इस्तेमाल या स्पैटुला का इस्तेमाल नहीं किया, बस ये पैन ही काफी है। ओह माय गॉड, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं चिपकता है, देखो ये पूरी तरह साफ है। इसका कारण तो बताओ। इसका रहस्य है अभेदनीय ठोस सिरेमिक कुकिंग की सतह। ये नॉनस्टिक सतहों में अति उत्तम है। हमने सिरेमिक कोर के कुकिंग तकनीक में प्रकृति माँ का रहस्य अपनाया है और ये है मशहूर वाटर लिली प्रभाव। देखो पानी की बूंदें पत्ते पर से कैसे खिसक जाती हैं, तुमने देखा ना? हाँ मार्क, देखा, ये लाजवाब है। और आप देखो ये नीचे कैसे मोती से लगते हैं। ये मेरी किचन के टाइल्स के समान है मार्क, उन पर कुछ भी नहीं चिपकता और साल दर साल ये नए से लगते रहते हैं। सही कहा, सिरेमिक कोर पर भी कुछ नहीं चिपकता और ये भी सालों साल ऐसा ही रहेगा। और जब काम हो जाए तो बस एक टॉवल से पोंछ दीजिए और देखो कितना नया है, कितना सफेद है और कितना बढ़िया लग रहा है। साफ करना इतना आसान कभी नहीं था। ये बहुत ही चमत्कारी है। अब हम बनाने वाले हैं श्रिम्प फ्राई। मैं डाल रहा हूँ थोड़ा तिल का तेल। और एक बात बताऊँ, सिरेमिक कोर ताप लेता है। जानती हूँ साधारणतः नॉनस्टिक पैन सिर्फ 230 डिग्री सेल्सियस या 450 डिग्री फारेनहाइट तक ही गर्म किया जा सकता है, नहीं तो सतह में दरार सी पड़ने लगती है और हानिकारक फ्यूम्स निकलती है। वास्तव में कईयों पर लिखा भी रहता है, वो भी
पैन पर कि ज्यादा गरम मत कीजिए। परंतु ये कैसे पता चलेगा कि आपका पैन कितना गरम हो रहा है? सिरेमिक कोर के साथ इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, और गांठ बांध लो कि बेहतर चाइनीज स्टर फ्राई को बनाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है। ठोस सिरेमिक कुकिंग सतह के कारण जलने जलाने का सवाल ही नहीं उठता। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयस्टर सॉस, मुझे ये फ्लेवर पसंद है, इससे स्वाद बढ़ता है। देखो किस तरह सिजल कर रहा है, अच्छा है ना। अब थोड़ा सा मसाला डालेंगे, मेरी मनचाही डिश। अब इसे अच्छी तरह मिलाएंगे और लौरा, और बन गई प्यारी सी डिश। ये देखो बिल्कुल तैयार है। बहुत जल्दी बन गई। वास्तव में सिरेमिक कोर बहुत ज्यादा तापमान को बर्दाश्त करता है ताकि जल्दी चीज पक सके, लेकिन इसका ये हैंडल बहुत ही ठंडा रहता है। अब इस स्टर फ्राई को इसमें डालूंगा। अब इसे देखो, और अब मुझे इसे पोंछ कर साफ करना है। ये अब दूसरी डिश के लिए तैयार है। देखो तुमने, साफ सफेद और लाजवाब। और सब कुछ इतना क्रिस्पी, स्वादिष्ट और पौष्टिक है। अब हम बनाएंगे लैम चॉप्स। और फिर सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। तुम्हें ऐसी चीज सुनाई दी? है ना ये मजेदार। ये है सिरेमिक कोर के ठोस सिरेमिक सतह का सुपर पावर। अब मैं इसमें डालूंगा फिश, मगर लौरा ध्यान देना, मैं चमड़ी वाला भाग नीचे की ओर डालूंगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने ये किया। अब मैं इसमें मिलाऊंगा कुछ स्कैलॉप्स, मैंने डाल दिया सब कुछ इसी पैन में। लौरा, मार्क, अगर तुम सारी चीजें एक साथ एक ही पैन में डालोगे तो हर चीज एक सी टेस्ट करेगी। क्या लैम्ब स्कैलॉप्स की तरह या स्कैलॉप्स फिश की तरह टेस्ट ही करेंगे? और न जाने फिश का जानती हो लौरा, साधारण पैन के साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन सिरेमिक कोर के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। और मैं एक मिनट में ये साबित भी कर दूंगा, मगर पहले इन्हें फ्लिप करना होगा। तो शुरुआत करते हैं फिश से। तुम्हें याद है ना कि चमड़ी वाला हिस्सा नीचे की ओर डाला था लौरा? हाँ, और साधारण पैन में तेल के साथ ही जरूर चिपकता, मगर इसे देखो तो बिल्कुल ही चिपक रहा है। हाँ लौरा, चिपकी है स्किन फिश से, चिपकी है ना कि पैन में, है ना लाजवाब? अगर मैंने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो विश्वास ही नहीं होता। हाँ लौरा, थोड़ा कठिन ही है। और ये देखो लौरा, मैं इस लैम्प के टुकड़े को उलटने के लिए मेटल टोंग्स का इस्तेमाल करूंगा। देखा कितना बढ़िया लग रहा है। और देखो ये स्कैलॉप्स कितने ब्राउन है, अच्छा बना है, बिल्कुल वैसा जैसे मुझे अच्छा लगता है। अब मेरे पास पकाने के लिए पोर्क चॉप्स है। देखो इसे फ्लिप करने पर क्या होता है, देखा कितने बढ़िया ढंग से ये पोर्क चॉप्स बना है। और ये मुमकिन हुआ सिरेमिक कोर के ठोस सिरेमिक सतह की वजह से। अब मैं इसे इजी टच कांच के ढक्कन से ढकूंगा। तुम्हें ध्यान से देखना होगा कि क्या हो रहा है, भाप के लिए जगह है। देखा ना तुमने, ढक्कन के बिल्कुल ऊपर, इससे पैन में सही मात्रा में नमी बनी रहती है। और ये कॉन्वेक्स है लौरा, अंदर पोर्क चॉप्स के साथ क्या हो रहा है तुम देख सकती हो। साथ ही सारे स्वाद बरकरार रहते हैं। और इसके अलावा सिरेमिक पैन मीट की चर्बी और कुदरती स्वादों को सक्रिय करता है। अब मैं पैन यहाँ से हटा रहा हूँ, ये बहुत बहुत बढ़िया है। हालांकि मैंने इसे ताप से हटा दिया, फिर भी पकना जारी है क्योंकि सतह ठोस सिरेमिक की है। ये ताप को पकड़े रखता है, जाने नहीं देता। इसका मतलब है कि ये बिना गैस या ऊर्जा के पका रहा है, और इससे आपके बिल में कटौती भी होती है। और बार की बहुत ही अच्छी बात है। और याद है ना हमारी तीन चीज, लैम्प फिश और स्कैलॉप्स एक साथ बिना घी या मक्खन के पक रहे हैं। और मैंने कहा था ना, स्वाद बिखरता नहीं है। इसके बारे में कुछ भी पक्का मैं नहीं। देखो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से फिश निकालूंगा और वैसे ही परोसूंगा जैसे घर में दोस्तों या घर वालों को परोसता हूँ। ये लाजवाब लाजवाब दिखने वाली डिश है, मगर मैं जानता हूँ कि तुम्हें लैम्प पसंद है। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लैम्प निकालता हूँ, इसे यहाँ रखता हूँ, और ये मैडम आपके लिए। और खाने से पहले फूंकना मत भूलना, क्योंकि ये गर्म है। सिरेमिक कोर कुकवेयर की तकनीक की वजह से आपकी डिश स्वादिष्ट, पौष्टिक और सारे खुशबू बरकरार रखती है, है ना ये रोचक बात। ये बताओ क्या फिश का स्वाद है, क्या स्कैलॉप्स का स्वाद है, क्या लैम्प के स्वाद के अलावा कोई और स्वाद उसमें है? बिल्कुल नहीं मार्क, इसमें सिर्फ लैम्प का ही स्वाद है। और फिर आपको इसे साफ करने के लिए बस इसे पोछे और ये साफ हो गया। और एक बात लौरा, उच्च गुणवत्ता वाले पैंस में बैकलाइट के हैंडल्स होते हैं, मगर कई पैंस में मेटल हैंडल्स होते हैं जिससे कभी भी हाथों को जलने का डर रहता है। लेकिन सिरेमिक कोर का एर्गोनॉमिकली बना एवर कूल हैंडल हमेशा ठंडा रहता है, ताप पैन में बना रहता है, हैंडल तक नहीं फैलता, और इसका नॉन स्लिप ग्रिप इसे टूटने या मुड़ने नहीं देता। लौरा अब मैं एक और चीज बनाऊंगा, लाजवाब मार्मलेड सॉस आपके पोर्क चॉप्स के लिए। और तुम्हें ये बहुत बहुत पसंद आएगा, क्योंकि याद है ना सिरेमिक सतह की तकनीक की खासियत, इसकी वजह से ताप वैसे ही बरकरार रहता है। तो स्टोव ना भी हो तो भी डिश पकती रहती है।
अब मैं अपनी सारी क्रैनबेरीज लूंगा और इन्हें इसमें इस तरह डालूंगा यहाँ तक कि गहरे लाल रंग की क्रैनबेरीज भी अपना चटक रंग सफेद सतह पर नहीं छोड़ सकती। अब मैं थोड़ा सा शुगर फ्री मार्मलेड इस पर डालूंगा। ध्यान से सुनो, सिजलिंग सुनाई दे रही है ना? अच्छा लग रहा है। स्टोव के ऊपर भी नहीं है, है ना ये लाजवाब। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको इस तरह का जायकेदार खाना बनाने के लिए 3-4 बर्तनों की जरूरत नहीं पड़ती, बस जरूरत है तो सिरामिक कोर की। मैं अब इस पोक चॉप्स को निकाल कर उसे यहाँ पर रखूंगा और इसके बाद अपना सॉस लूंगा और इसके ऊपर डालूंगा। देखो लग रहा है ना खूबसूरत? बहुत ही खूबसूरत है। अक्सर ये चिपका मेसी हो जाता है मगर इसमें फैट नहीं है, तेल नहीं है और ये पौष्टिक है। और एक खासियत, एक बार पहुँचो और ये साफ हो गया। सिरामिक कोर एक परफेक्ट पैन है। सामान्यतः नॉनस्टिक पैन से सचमुच परेशानी हो सकती है, ये खुरदरे हो जाते हैं, पपड़ी निकल जाती है, ताप असमानता से फैलता है जिससे खाना एक तरफ जल जाता है दूसरी तरफ अधपका रह जाता है। और बुरी बात यह है कि नॉनस्टिक कोटिंग के बावजूद फैटी ऑयल्स घी मक्खन डालना पड़ता है ताकि खाना चिपके नहीं, और ये पौष्टिक नहीं है। मगर अब इन परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो पेश है सिरामिक कोर, एक क्रांतिकारी सिरामिक नॉनस्टिक पैन जिसका बेस ताप बनाए रखता है, चिपकाता या जलाता नहीं है और आसानी से पौष्टिक खाना बनाने में मदद करता है। और इसकी खासियत है क्रांतिकारी सिरामिक कुकिंग सतह बिल्कुल वाटर लिली के पत्ते की सतह की तरह। सिरामिक कोर की ठोस सिरामिक सतह हर चीज को बाहर करती है, कुछ नहीं सोखता, कुछ नहीं चिपकता, बस बूंदों सा बनकर इधर उधर घूमता है। चीज नहीं चिपकता, अंडे बढ़िया बनते हैं, फिश की चमड़ी फिश से ही चिपकी रहती है न कि पैन से। मीट बिना फैटनिंग तेल के पकता है और साफ करना बहुत ही आसान है। इसका हनीकॉम बेस ताप को एल्युमिनियम कोर तक ले जाता है जिससे ताप बड़ी ही तेजी से फैलता है। और चूंकि सिरामिक कोर ताप समानता से फैलाता है तो सही गर्मी बनी रहती है और स्टोव से हटाने के बाद भी खाना पकता रहता है। सिरामिक कोर 400 डिग्री सेल्सियस और 750 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हीट रेसिस्टेंट है, इसलिए ठोस सिरामिक सतह से पकाने में कम समय लगता है क्योंकि आपको मिलता है अधिक ताप। चाहे चूल्हा जो भी हो, गैस, इंडक्शन, ग्लास टॉप या इलेक्ट्रिक, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो 1300 डिग्री ब्लो टॉर्च इस्तेमाल करें, पैन नहीं जलेगा। साधारण नॉनस्टिक पैन से कोटिंग निकल जाती है, खाने में मिल जाती है और खाना केमिकल्स और नॉनस्टिक मटेरियल से विषैला हो सकता है। मगर सिरामिक के साथ कोई रहस्य, कोई मैजिक नहीं, कोई खतरनाक केमिकल्स नहीं, बस एक शुद्ध साफ सिरामिक हमेशा स्वस्थ और सफेद। सिरामिक कोर कभी भी उतना गर्म नहीं होता कि आप संभाल न सकें। इसमें है एर्गोनॉमिकली ओवरकूल हैंडल जो छूने में हमेशा ठंडा रहता है, ताप पैन में बना रहता है न कि हैंडल पर। सिरामिक कोर सचमुच टिकाऊ है, चाहे इसे नीचे फेंके, हथौड़े से मारे, ये टूटेगा नहीं। और इसे साफ करना बहुत ही आसान है, बस एक बार पहुंचो और हो गया साफ। इससे आप आसानी से जल्दी से रेस्टोरेंट से खाना बनाकर किचन से बाहर आकर जिंदगी का लुत्फ उठा सकते हैं। अगर आप सस्ते नॉनस्टिक पैन्स खरीदेंगे तो हजारों रुपए खर्च हो सकते हैं, इसलिए तुरंत कॉल करें और आपको मिलेगा आपका 24 सेंटीमीटर वाला सिरामिक कोर नॉनस्टिक पैन। यह आपका बेहतर और लाजवाब पैन होगा। इसके साथ मिलेगा स्टीम वाल्व के साथ इजी टच ग्लास लीड मुफ्त में। मगर रुकिए, अगर आप अगले 10 मिनट में कॉल करेंगे और 28 सेंटीमीटर वाला पैन विद लीड खरीदेंगे तो हम आपको 20 सेंटीमीटर वाला सिरामिक कोर पैन मुफ्त में देंगे। और हम यकीन से कह सकते हैं कि इसे खरीदने के बाद आपको दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर अभी कॉल करना होगा। सिरामिक कोर इतना लाजवाब है कि इसका इस्तेमाल बढ़िया से बढ़िया रेस्टोरेंट्स में भी खाना बनाने के लिए किया जाता है। आइए एक मशहूर शेफ से इसके बारे में सुने। सिरामिक कोर इतना लाजवाब है कि घंटों टमाटो सॉस पकाने के बाद भी पैन पर कोई दाग नहीं रहा और देखिए कुछ भी नहीं चिपका। साथ ही ये नॉन स्क्रैचिंग है। मैं इस पर मेटल विप इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसे आप इस्तेमाल करने से कतराएंगे। सिरामिक कोर बिल्कुल नया लगता है और आज तक इस्तेमाल हुए नॉन स्टिक पैंस में सबसे बेहतर है। देखिए बस तौले से पोंछा और साफ हो गया। कमर्शियल किचन में भी सिरामिक कोर बहुत ही फायदेमंद है। हम फ्रूटाडेल मेरे बनाते हैं जिसके लिए तेज फ्लेम की जरूरत पड़ती है और हम खतरा तो बिल्कुल मोल नहीं ले सकते। इतवार की सुबह नाश्ते में बड़ी जल्दी पैनकेक्स बन जाते हैं। मुझे ये देखकर बड़ा अच्छा लगता है जब आटा पैन में स्लाइड करता है, चिपकता नहीं। फ्लिप करना आसान है, पैन पर तेल डालने की भी जरूरत नहीं, ना कोई घी, न तेल या नॉनस्टिक प्रेस, और आपको मिलता है लाजवाब बटर मिल्क जायके का पैनकेक। जब भी बनाओ हमेशा बेहतर ही बनता है, ये अद्भुत है। मैं सबसे अधिक चिपकने वाली डिश कैरामेल एप्पल भी बनाता हूँ। देखिए सिरामिक कोर पैन पर मैंने शक्कर गरम की है लेकिन शक्कर चिपकी नहीं। मैंने दूसरे नॉनस्टिक पैन्स में कैरामेल बनाने की कोशिश की और फेंक दिया, लेकिन सिरामिक कोर के साथ ऐसी कोई परेशानी नहीं। बनाओ और साफ करो, हो गया। कमर्शियल किचन में हमें ज्यादा तापमान की जरूरत पड़ती है, ये खाने में जूसेस को बरकरार रखता है। सिरामिक कोर इसके लिए सबसे बेहतर है।
क्योंकि ये ऊंचे से ऊंचे तापमान तक वैसा का वैसा ही रहता है। ये इस तिल के तेल को सिजल करता है, उसका स्वाद और खुशबू और टेक्सचर बरकरार रहता है। मैंने स्टर फ्राई को जैस्मिन राइस पर डाला। हम अब इसे पोंछ कर साफ करेंगे। और बढ़िया बात यह है कि गाजर नरम है फिर भी बहुत क्रंची है। सब्जियां लाजवाब थी और चिकन का स्वाद चिकन जैसा था। किसी भी डिश के लिए सेरामिकोर बढ़िया है। चेरीज जुबली मेरी पसंदीदा डिश है। सेरामिकोर में तापमान बना रहता है, इसमें अल्कोहल डालकर उसे टॉर्च किया लेकिन कोई समस्या नहीं हुई। दूसरे पैन से अपने ग्राहकों को मैं खुश नहीं कर सकता। सेरामिकोर बढ़िया है, मजबूत है और ऊंचे तापमान में भी काम कर सकता है। चेरीज चिपकते नहीं, बस इसमें एक स्कूप आइसक्रीम डाला और हो गया। ये बहुत ही स्वादिष्ट होगा। सेरामिक सतह ये निश्चित करता है कि शक्कर और चेरीज जले नहीं और मेरा काम है इसे पोंछूं और साफ रखूं। ये सबसे बेहतर है। सेरामिकोर से किचन में मेरा काम आसान हो गया। सेरामिकोर आपका भी साथी बन सकता है। सामान्यतः नॉनस्टिक पैन से सचमुच परेशानी हो सकती है। ये खुरदरे हो जाते हैं, पपड़ी निकल जाती है, ताप असमानता से फैलता है जिससे खाना एक तरफ जल जाता है दूसरी तरफ अधपका रह जाता है। और बुरी बात यह है कि नॉनस्टिक कोटिंग के बावजूद फैटी ऑयल्स घी मक्खन डालना पड़ता है ताकि खाना चिपके नहीं, और ये पौष्टिक नहीं है। मगर अब इन परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो पेश है सेरामिकोर, एक क्रांतिकारी सिरामिक नॉनस्टिक पैन जिसका बेस ताप बनाए रखता है, चिपकाता या जलाता नहीं है और आसानी से पौष्टिक खाना बनाने में मदद करता है। और इसकी खासियत है क्रांतिकारी सिरामिक की कुकिंग सतह बिल्कुल वाटर लिली के पत्ते की सतह की तरह। सेरामिकोर की ठोस सिरामिक सतह हर चीज को बाहर करती है। कुछ नहीं सोखता, कुछ नहीं चिपकता, बस बूंदों सा बनकर इधर उधर घूमता है। चीज नहीं चिपकता, अंडे बढ़िया बनते हैं, फिश की चमड़ी फिश से ही चिपकी रहती है न कि पैन से। मीट बिना फैटनिंग तेल के पकता है और साफ करना बहुत ही आसान है। इसका हनी कोम बेस ताप को एल्यूमिनियम कोर तक ले जाता है जिससे ताप बड़ी ही तेजी से फैलता है। और चूंकि सेरामिक कोर ताप समानता से फैलाता है तो सही गर्मी बनी रहती है और स्टोव से हटाने के बाद भी खाना पकता रहता है। सेरामिक कोर 400 डिग्री सेल्सियस और 750 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हीट रेसिस्टेंट है, इसलिए ठोस सेरामिक सतह से पकाने में कम समय लगता है क्योंकि आपको मिलता है अधिक ताप। चाहे चूल्हा जो भी हो, गैस, इंडक्शन, ग्लास टॉप या इलेक्ट्रिक, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो 1300 डिग्री ब्लो टॉर्च इस्तेमाल करें, पैन नहीं जलेगा। साधारण नॉनस्टिक पैन से कोटिंग निकल जाती है, खाने में मिल जाती है और खाना केमिकल्स और नॉनस्टिक मटेरियल से विषैला हो सकता है। मगर सेरामिक के साथ कोई रहस्य, कोई मैजिक नहीं, कोई खतरनाक केमिकल्स नहीं, बस एक शुद्ध साफ सेरामिक, हमेशा स्वस्थ और सफेद। सेरामिक कोर कभी भी उतना गर्म नहीं होता कि आप संभाल न सकें। इसमें है एर्गोनॉमिकली ओवरकूल हैंडल जो छूने में हमेशा ठंडा रहता है, ताप पैन में बना रहता है न कि हैंडल पर। सेरामिक कोर सचमुच टिकाऊ है, चाहे इसे नीचे फेंके, हथौड़े से मारे, ये टूटेगा नहीं। और इसे साफ करना बहुत ही आसान है, बस एक बार पोंछो और हो गया साफ। इससे आप आसानी से जल्दी से रेस्टोरेंट से खाना बनाकर किचन से बाहर आकर जिंदगी का लुत्फ उठा सकते हैं। दूसरे नॉनस्टिक कहलाने वाले पैंस की सिरामिक कोर से कोई तुलना नहीं। सिरामिक कोर पैंस को खराब करने की कोशिश में हम इसे साबित भी कर देंगे। और ये आप कैसे करने वाले हैं मार? तुम्हारे पास वहाँ प्लास्टिक कप्स है ना, उनमें से एक मुझे दोगी? दोगी ना। भला इस कप का क्या करोगी? ध्यान से देखो क्या कर रहा हूँ। ये नहीं, पैन 10 मिनट से आग के ऊपर रखा है, ये गर्म है, मैं इसे इसमें डालूंगा। बीचों बीच प्लास्टिक का लाल कप सफेद पैन के बीच में रख दिया है, सब खराब हो जाएगा मार्क। मेरी बात सुनो। मेरे ख्याल से नहीं होगा। और तुम्हें याद है ना कि हमारे सेरामिक कोर पैन में मशहूर वाटर लिली इफेक्ट है। इसका मतलब ये कि अभेद नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये वाइन है, जूस है, फैट्स, तेल या मक्खन या फिर प्लास्टिक का कप। लारा देखो कैसे पिघल रहा है, तुम खुद देख रही हो ना। अरे ये तो कुछ ही पलों में पिघल गया मार्क। और ये लाल रंग देखो, सफेद सतह पर दाग लग जाएगा, ये प्लास्टिक का है। तो क्या हुआ? मुझे लगता है तुम चाहे जो कहो, ये सोखेगा और ये फिर वहीं पर रह जाएगा। ये तुम्हारी सोच है लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, इसे यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। ओके ठीक है। खैर मैं मार्क इसे तुम्हें दे देती हूँ। बहुत कुछ तुमने बाहर निकाल दिया मगर फिर भी मुझे लगता है कि ये खराब हो जाएगा। एक बात तो तुम भूल ही गई हो कि सिरामिक कोर की खूबी है, बस पोंछो और ये हो गया साफ। ये देखो ये तो कमाल ही हो गया, कितना साफ है। अब मैं तुम्हें एक साधारण नॉनस्टिक पैन दूंगा लेकिन यही सिरामिक कोर पैन इस्तेमाल करूंगा। और अब वक्त आ गया है कि तापमान ज्यादा करो और दोनों पैन्स में दूध को जलाएंगे। चलो करो। मैंने कहा ध्यान से संभल के करना। मेरा इतना गर्म की संभल नहीं रहा है। यही तो बड़ी समस्या है। सामान्य नॉनस्टिक पैन्स में सस्ते हैंडल्स हैं जो ताप नहीं ले सकते, मगर सिरामिक कोर में अद्भुत एर्गोनॉमिक एवं कूल हैंडल हैं और इस फ्लेम प्रोटेक्टर की वजह से ताप पैन में बना रहता है न कि आपके हाथों में। देख लिया ना। ओके चलो जले दूध को इसमें से निकालें।
ओ ठीक है मार्क, मैं कोशिश जरूर करूंगी मगर मेरे ख्याल से बहुत वक्त लग जाएगा। देखो ना। हाँ देख रहा हूँ, जानती हो लौरा, इसी की वजह से हमें हर साल या हर 6 महीने में या हर महीने हमें नया पैन खरीदना पड़ता है, क्योंकि जब भी कुछ जलता है हम रगड़ते हैं, समय की बर्बादी, मन खराब होता है और नतीजा नया पैन खरीद लेते हैं। मार्क देखो ना, मैं हर नाकामयाब कोशिश कर रही हूँ, जानते हो मेरी माँ ने कुछ सफाई का तरीका सिखाया था, सब आजमा रही हूँ, मैं रगड़ रही हूँ और ये देखो पता है? हाँ निकल रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस पर इतना वक्त लगाना अकलमंदी का काम है। बिल्कुल नहीं है। लौरा इसे देखो, मैं बस इसे ऐसे सिरामिक कोर पैन से बाहर निकालता हूँ, देखा तुमने, ठोस सिरामिक सतह पर कुछ नहीं चिपकता। अब इसे पूरी तरह साफ करेंगे, जरा ध्यान से देखो, क्योंकि ये सिरामिक कोर है तो बस एक बार पोंछो और ये हो गया साफ। देखा कितना साफ हो गया। सिरामिक कोर की तुलना में कोई दूसरा नहीं। पते की बात की। हाँ और एक बात, मैं तुम्हारे इस सस्ते पैन को वास्तव में अपने हाथों से मोड़ सकता हूँ, और अगर मैं कर सकता हूँ तो सोचो स्टोव पर कब तक बना रह सकता है, न जाने कितनी जल्दी केमिकल कोटिंग की पपड़ी निकल आएगी और फिर उसे आपको फेंकना होगा, नया खरीदना होगा। मगर सिरामिक कोर इतना मजबूत है कि हथौड़े की मार भी सह लेता है। देखो ये देखिए। सच कहा तुमने। अब इन सब से छुटकारा पाइए, यानी चिपिंग, फ्लैकिंग और स्क्रैचिंग, और ले आइए एक क्रांतिकारी ठोस सिरामिक सतह वाला सिरामिक कोर। ये आपके लिए सबसे उत्तम पैन होगा। सामान्यतः नॉनस्टिक पैन से सचमुच परेशानी हो सकती है, ये खुरदरे हो जाते हैं, पपड़ी निकल जाती है, ताप असमानता से फैलता है जिससे खाना एक तरफ जल जाता है, दूसरी तरफ अधपका रह जाता है। और बुरी बात यह है कि नॉनस्टिक कोटिंग के बावजूद फैटी ऑयल्स, घी, मक्खन डालना पड़ता है ताकि खाना चिपके नहीं, और ये पौष्टिक नहीं है। मगर अब इन परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो पेश है सिरामिक कोर, एक क्रांतिकारी सिरामिक नॉनस्टिक पैन जिसका बेस ताप बनाए रखता है, चिपकाता या जलाता नहीं है और आसानी से पौष्टिक खाना बनाने में मदद करता है। और इसकी खासियत है क्रांतिकारी सिरामिक की कुकिंग सतह बिल्कुल वाटर लिली के पत्ते की सतह की तरह। सिरामिक कोर की ठोस सिरामिक सतह हर चीज को बाहर करती है, कुछ नहीं सोखता, कुछ नहीं चिपकता, बस बूंदों सा बनकर इधर उधर घूमता है। चीज नहीं चिपकता, अंडे बढ़िया बनते हैं, फिश की चमड़ी फिश से ही चिपकी रहती है न कि पैन से। मीट बिना फैटनिंग तेल के पकता है और साफ करना बहुत ही आसान है। इसका हनीकॉम बेस ताप को एल्युमिनियम कोर तक ले जाता है जिससे ताप बड़ी ही तेजी से फैलता है, और चूंकि सिरामिक कोर ताप समानता से फैलाता है तो सही गर्मी बनी रहती है और स्टोव से हटाने के बाद भी खाना पकता रहता है। सिरामिक कोर 400 डिग्री सेल्सियस और 750 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हीट रेसिस्टेंट है, इसलिए ठोस सिरामिक सतह से पकाने में कम समय लगता है क्योंकि आपको मिलता है अधिक ताप। चाहे चूल्हा जो भी हो, गैस, इंडक्शन, ग्लास टॉप या इलेक्ट्रिक, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो 1300 डिग्री ब्लो टॉर्च इस्तेमाल करें, पैन नहीं जलेगा। साधारण नॉनस्टिक पैन से कोटिंग निकल जाती है, खाने में मिल जाती है और खाना केमिकल्स और नॉनस्टिक मटेरियल से विषैला हो सकता है। मगर सिरामिक के साथ कोई रहस्य, कोई मैजिक नहीं, कोई खतरनाक केमिकल्स नहीं, बस एक शुद्ध साफ सिरामिक, हमेशा स्वस्थ और सफेद। सिरामिक कोर कभी भी उतना गर्म नहीं होता कि आप संभाल न सकें। इसमें है इकोनॉमिकली ओवरकूल हैंडल जो छूने में हमेशा ठंडा रहता है, ताप पैन में बना रहता है न कि हैंडल पर। सिरामिक कोर सचमुच टिकाऊ है, चाहे इसे नीचे फेंके, हथौड़े से मारे, ये टूटेगा नहीं, और इसे साफ करना बहुत ही आसान है, बस एक बार पोंछो और हो गया साफ। इससे आप आसानी से जल्दी से रेस्टोरेंट से खाना बनाकर किचन से बाहर आकर जिंदगी का लुत्फ उठा सकते हैं। अगर आप सस्ते नॉनस्टिक पैन्स खरीदेंगे तो हजारों रुपए खर्च हो सकते हैं, इसलिए तुरंत कॉल करें और आपको मिलेगा आपका 24 सेंटीमीटर वाला सिरामिक कोर नॉनस्टिक पैन। यह आपका बेहतर और लाजवाब पैन होगा। इसके साथ मिलेगा स्टीम वाल्व के साथ इजी टच ग्लास लीड मुफ्त में। मगर रुकिए, अगर आप अगले 10 मिनट में कॉल करेंगे और 28 सेंटीमीटर वाला पैन विद लीड खरीदेंगे तो हम आपको 20 सेंटीमीटर वाला सिरामिक कोर पैन मुफ्त में देंगे। और हम यकीन से कह सकते हैं कि इसे खरीदने के बाद आपको दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर अभी कॉल करना होगा। लौरा अब हम दोनों को यहाँ पर एक सचमुच का एक्सपेरिमेंट करना होगा, और तुम्हें ये अच्छा भी लगेगा। तुम्हारे पास टॉर्च है, मेरे पास टॉर्च है, और हम दोनों के पास अलग अलग काम है। अब तुम इसे जलाओ, मैं भी वैसा ही करूंगा थोड़ी देर में, मगर इससे पहले मैं थोड़ी सी ग्रेवी लूंगा और पैन में डालूंगा। मेरी थोड़ी मदद करोगी लौरा? टॉर्च की आग को जरा बीच बीच दिखाओ पैन, वैसा करो, पका करो, और थोड़ी नजदीक से इसे खूब गर्म होने दो। हमें जितना हो सके उतना गर्म चाहिए, सब ठीक है ना? लगता तो है। ओके, जानती हो मैंने इसमें क्या डाला है? इसमें ग्रेवी डाली है। क्या कभी जली हुई ग्रेवी पैन में से या स्टोव में से तुम्हारी परेशानी बढ़ाती है? समय और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सच का, तो तुम अपना काम करो और मैं अपना काम। अब 1300 डिग्री में ये ग्रेवी इस पैन में ऐसे जलेगी जैसे पहले कभी नहीं हुआ। ये देखो,
ये सचमुच बहुत ज्यादा तापमान है और जब सेरामिक कोर के टिकाऊपन की बात है तो कोई मजाक नहीं कर सकता। इससे मुझे स्पेस शटल की याद आती है। सच कहा लारा, स्पेस शटल पर किसकी परत होती है जब वो अन्य किसी वातावरण में जाता है जानती हो? जरा बताओ। सेरामिक, बिल्कुल सही। इससे बहुत उच्च तापमान पर शटल की रक्षा होती है। इसी के आधार पर बना है सिरामिक को सिरामिक सरफेस। मैं जो कुछ कर रहा हूँ थोड़ी देर रोक देता हूँ, लेकिन तुम जारी रखना। सचमुच तुम नहीं चाहते हो कि मैं रोकूं? इसे देखो, ये जली हुई ग्रेवी है, ये मैसी है, मगर इसे देखो, ये बस एक पोंछे से साफ हो गया। 1300 डिग्री पर जली हुई ग्रेवी एक लाजवाब अभेदनीय मशहूर वाटर लिली इफेक्ट वाली सिरामिक कोर सिरामिक पैन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब तुम इसे इसमें से निकाल दो। इसे देखो, चाहे इसमें जो कुछ जला हो या जितना ज्यादा टेम्परेचर हो, ये बेहतर और दोबारा इस्तेमाल करने लायक है। अब तुम्हारा क्या ख्याल है बनाना फोस्टर के बारे में? चलो उसे बनाते हैं। जब भी मैं रेस्टोरेंट जाती हूँ इसे ही खाती हूँ, मगर यहाँ किचन में इसे बनाना जानती हो लहरा, सिरामिक कोर में ये आसान है। देखो, मैं थोड़े से बटर से शुरू करता हूँ और तुम्हें खुद विश्वास हो जाएगा जब तुम इसे बनता देखोगी। बाहर तो ये इतना महंगा होता है। अब हम इसमें थोड़ा ब्राउन शुगर डालेंगे, ये हमारे डेजर्ट का बेस होगा। और देखो, मैं मेटल स्टरर का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये ठोस सिरामिक की सतह का है और यही इसकी खासियत है। अब देखो, घी पिघलना शुरू हो गया है। इसमें एक चीज नहीं डाली, वो क्या है? बनानास। बिल्कुल सही कहा। चलो अब हम बनानास डालते हैं। अब इन टोंग्स के इस्तेमाल से मैं इसे विस्क करूंगा, देखो ऐसे। अब मजे की बात है, देखो मैंने ये डाला, ये डाला, ये डाल दिया। सिरामिक कोर तापमान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन सामान्य नॉनस्टिक पैन्स नहीं, वो तापमान झेल नहीं सकते। अगर एक पैन ज्यादा गर्मी नहीं सह सकता तो उसे फेंक देना ही अच्छा है। और ये सिरामिक कोर का ठोस सिरामिक सरफेस 400 डिग्री सेल्सियस या 750 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का तापमान सह सकता है। और इस तापमान पर पैन का रंग बिल्कुल नहीं बदला, ये अभी भी व्हाइट है मार। इस ठोस सिरामिक सतह का रंग नहीं बदलता, न ही स्क्रैच होता है। देखो, इतना सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन ये खराब नहीं हुआ। अब अपने आइसक्रीम लो। ठीक है, अब मैं बनानास लूंगा, इन्हें इसमें डालूंगा और ऊपर से ये बढ़िया कैरमल और सिरप भी डालूंगा। और सुनो लौरा, अपना चम्मच लो। उतावली हूं मार्क। अब ये लो थोड़ा सा बनाना, थोड़ा सा सॉस और आइसक्रीम लेना मत भूलना। संभल के, हो सकता है थोड़ा सा गर्म हो। इंतजार नहीं कर सकती। है ना बढ़िया डिश। बनाना इतना आसान, साफ करना इतना आसान, क्योंकि ये सिरामिक कोर है। इसका मतलब एक बार पोंछो और साफ हो गया। इसी पैन को आपको अपने घर में रखना होगा, ले लीजिए, आपको पसंद आएगा। सामान्यतः नॉनस्टिक पैन से सचमुच परेशानी हो सकती है। ये खुरदरे हो जाते हैं, पपड़ी निकल जाती है, ताप असमानता से फैलता है जिससे खाना एक तरफ जल जाता है, दूसरी तरफ अधपका रह जाता है। और बुरी बात यह है कि नॉनस्टिक कोटिंग के बावजूद फैटी ऑयल्स, घी, मक्खन डालना पड़ता है ताकि खाना चिपके नहीं, और ये पौष्टिक नहीं है। मगर अब इन परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो पेश है सिरामिक कोर, एक क्रांतिकारी सिरामिक नॉनस्टिक पैन जिसका बेस ताप बनाए रखता है, चिपकाता या जलाता नहीं है और आसानी से पौष्टिक खाना बनाने में मदद करता है। और इसकी खासियत है क्रांतिकारी सिरामिक कुकिंग सतह बिल्कुल वाटर लिली के पत्ते की सतह की तरह। सिरामिक कोर की ठोस सिरामिक सतह हर चीज को बाहर करती है, कुछ नहीं सोखता, कुछ नहीं चिपकता, बस बूंदों सा बनकर इधर उधर घूमता है। चीज नहीं चिपकता, अंडे बढ़िया बनते हैं, फिश की चमड़ी फिश से ही चिपकी रहती है न कि पैन से। मीट बिना फैटनिंग तेल के पकता है और साफ करना बहुत ही आसान है। इसका हनीकॉम बेस ताप को एल्युमिनियम कोर तक ले जाता है जिससे ताप बड़ी ही तेजी से फैलता है। और चूंकि सिरामिक कोर ताप समानता से फैलाता है तो सही गर्मी बनी रहती है और स्टोव से हटाने के बाद भी खाना पकता रहता है। सिरामिक कोर 400 डिग्री सेल्सियस और 750 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हीट रेसिस्टेंट है, इसलिए ठोस सिरामिक सतह से पकाने में कम समय लगता है क्योंकि आपको मिलता है अधिक ताप। चाहे चूल्हा जो भी हो, गैस, इंडक्शन, ग्लास टॉप या इलेक्ट्रिक, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो 1300 डिग्री ब्लो टॉर्च इस्तेमाल करें, पैन नहीं जलेगा। साधारण नॉनस्टिक पैन से कोटिंग निकल जाती है, खाने में मिल जाती है और खाना केमिकल्स और नॉनस्टिक मटेरियल से विषैला हो सकता है। मगर सिरामिक के साथ कोई रहस्य, कोई मैजिक नहीं, कोई खतरनाक केमिकल्स नहीं, बस एक शुद्ध साफ सिरामिक, हमेशा स्वस्थ और सफेद। सिरामिक कोर कभी भी उतना गर्म नहीं होता कि आप संभाल न सकें। इसमें है एर्गोनॉमिकली ओवरकूल हैंडल जो छूने में हमेशा ठंडा रहता है, ताप पैन में बना रहता है न कि हैंडल पर। सिरामिक कोर सचमुच टिकाऊ है, चाहे इसे नीचे फेंके, हथौड़े से मारे, ये टूटेगा नहीं। और इसे साफ करना बहुत ही आसान है, बस एक बार पोंछो और हो गया साफ।
इससे आप आसानी से जल्दी से रेस्टोरेंट से खाना बनाकर किचन से बाहर आकर जिंदगी का लुत्फ उठा सकते हैं। अगर आप सस्ते नॉनस्टिक पैन खरीदेंगे तो हजारों रुपए खर्च हो सकते हैं, इसलिए तुरंत कॉल करें और आपको मिलेगा आपका 24 सेंटीमीटर वाला सिरामिक कोट नॉनस्टिक पैन। यह आपका बेहतर और लाजवाब पैन होगा। इसके साथ मिलेगा स्टीम वाल्व के साथ इजी टच ग्लास लीड मुफ्त में। मगर रुकिए, अगर आप अगले 10 मिनट में कॉल करेंगे और 28 सेंटीमीटर वाला पैन विद लीड खरीदेंगे तो हम आपको 20 सेंटीमीटर वाला सिरेमिक कोर पैन मुफ्त में देंगे। और हम यकीन से कह सकते हैं कि इसे खरीदने के बाद आपको दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर अभी कॉल करना होगा